नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का बैंकिंग क्रॉनिकल में उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे गुड मॉर्निंग नमस्कार तो कैसे हैं आप लोग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग चलिए स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज की क्लास ठीक है तो पजल बनाएंगे बिगिनर टू प्रो ये क्या हो गया दोस्तों यस मॉक की टेस्ट सीरीज़ में मॉक्स अनलॉक होने स्टार्ट हो चुके हैं अगर आप लोग मॉक अभी तक नहीं लिए हैं आप ले सकते हैं यस मॉक इसका प्राइस है 499 पूरे एक साल तक आपको जितने भी मॉक टेस्ट हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे हर एग्ज़ाम के 25 25 प्री के हैं मेंस के 15 15 हैं और सेक्शनल तीस या चालीस हैं तो ये सारे टेस्ट आप लोग दे सकते हैं मस्त मस्त है अपन को भी एनरोल करने का चलिए एनरोल कर लीजिए दोस्तों फिर पहला पजल आपकी स्क्रीन पर जल्दी बनाइए तीन मिनट टाइमर में नहीं लगा रहा हूँ दोस्तों काफ़ी सारे नए स्टूडेंट्स का मेरे पास आया था मेल की सर टाइमर आप लगा देते हैं हम पैनिक हो जाते हैं तो इसलिए अभी टाइमर नहीं लगा रहे हैं कुछ दिनों के बाद टाइमर स्टार्ट करेंगे एक आध क्वेश्चन में लगा देंगे टाइमर अभी एक दो क्वेश्चन बिना टाइमर के बनाइए एक दो क्वेश्चन में टाइमर लगा देंगे फिर सर मेरी रीजनिंग के मार्क्स चौदह से सत्ताईस आने लगे हैं थैंक यू जिया जी, जी बधाई हो पर सत्ताईस में रुकना नहीं है सत्ताईस को थर्टी सेवन तक लेकर जाना है आरआरबी में और बाकी के एग्ज़ाम में एटलीस्ट थर्टी टू तक कब से क्लास होगा यस ऑफिसर में कल से स्टार्ट हो गया आशीष जी कल क्लास हुई थी शाम को साढ़े सात बजे Start करें तीन मिनट से ज्यादा ही हो चुका है अभी तक तो सर आपकी चार अप्रैल के बाद ऐप पे क्लास नहीं हुई है किरण जी पांच तारीख को भी हुई थी फिर छः सात आठ को नहीं हुई थी नौ तारीख को रात में हुई थी क्लास यानी कि कल रात को हुई थी क्लास तीन दिन बीच में क्लास नहीं हुई थी सैटरडे संडे नहीं हुई थी और एक दिन इवेंट के लिए मैं दिल्ली गया हुआ था इसलिए नहीं हुई थी क्लास चलिए स्टार्ट करते हैं इसको उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सॉल्व किया होगा जिसने नहीं किया इधर ध्यान दीजिए कैसे बनाना है सिक्स रैक्स आर स्टैक्ड वन ओवर एन अदर एंड आर नंबर्ड वन टू सिक्स फ्रॉम बॉटम टू टॉप रेस्पेक्टिवली बॉटम में वन ऊपर छऐ ऐसे आपको रखना है तो यहाँ पर नंबरिंग अगर लिखोगे तो ये ऐसा होगा ठीक है वैसे तो बॉक्स पजल है तो डॉट मेथड का भी यूज हो सकता है तो इसलिए नंबरिंग पहले करनी नहीं चाहिए अब क्या बोल रहे थे दो फ्लेवर की even वाले में आइसक्रीम है दो फ्लेवर की और बाकी जितने भी हैं उसमें एक फ्लेवर की आइसक्रीम रहेगी ठीक है बोल रहे नो फ्लेवर हैज ऑन मोर देन वन रैक नो फ्लेवर हैज ऑन मोर देन वन रैक नो फ्लेवर ऑन मोर देन वन रैक मतलब कोई ऐसे भी रैक है जिसमें कोई भी फ्लेवर नहीं है तो ऐसा मोर देन वन रैक होना चाहिए देर आर थ्री रैक्स इन बिटवीन वेनिला एंड पिस्ताचियों और पिस्ता के बीच में कितने हैं बोल रहे देर आर थ्री रैक्स इन दोनों के बीच में तीन रैक होने चाहिए उसके बाद बोल रहे हैं कोकोनट फ्लेवर आर कैप्ट ऑन एन ऑर्ड नंबर रैक कोकोनट जो है इसको कोको लिख देते हैं ये ऑड नंबर के स्टैक पर होगा फिर बोल रहा है बटर आर कैप्ट इमीडिएटली बिलो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर तो स्ट्रॉबेरी के जस्ट नीचे जस्ट नीचे बोला है बटर आर कैप्ट इमीडिएटली बिलो ठीक है बटर जो है ये इमीडिएट जस्ट नीचे है साइड में आरो दे, दे देंगे इसके जस्ट नीचे बटर आने वाला है उसे बोला रहा है थ्री फ्लेवर्स इन बिटवीन चॉकलेट एंड ब्लूबेरी तो चॉकलेट और ब्लूबेरी के बीच में तीन होने चाहिए फिर बोल रहा है कैरामेल फ्लेवर आर कैप्ट अबाउ रैक फोर फोर के ऊपर कैरामेल होना चाहिए मतलब इन दोनों में किसी एक पर कैरामेल होगा फिर क्या है वेनिला इज एबाउ पिस्ता वेनिला जो है ये पिस्ता के ऊपर की तरफ है तो यहां पर ऐसे एरो बना के लिख देते हैं वेनीला जो है वो ऊपर होना चाहिए पिस्ता से ब्लूबेरी आर बिलो कोकोनट ब्लू बेरी आर बिलो कोकोनट तो ब्लू बेरी जो है ये कोकोनट के नीचे है उसके बाद बट नॉट इमीडिएटली जस्ट नीचे नहीं है कोकोनट के नीचे तो है लेकिन जस्ट यहां पर नहीं है तो यहां पर ऐसे क्रॉस बना दो उसके बाद क्या बोल रहा है ब्लू मून आइसक्रीम आर कैप्ट बिलो बटर तो ब्लू मून आइसक्रीम जो है ये बटर वाले के नीचे है अच्छा ब्लू मून अलग है और ब्लू बेरी अलग है तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है एक बार ना देख लेते हैं इसके नाम पूरे लिख देते हैं ये ब्लू बेरी है ये ये ब्लू बेरी है ठीक है और चॉकलेट और वाला कौन सा था यहाँ पर एक उसमें भी ब्लू बेरी था तो ब्लू मून जो है आर कैप्ट बिलो बटर पीकन बट नॉट इमीडिएटली तो इसको पूरा लिख देते हैं ब्लू मून ये जस्ट नीचे नहीं होगा लेकिन नीचे की तरफ होगा ठीक है तो ये हमारी इतनी कंडीशन यहाँ पर बन रही हैं अब दोस्तों हमारे पास ये वाली कंडीशन जो है ये बिल्कुल सेट हो रही है कैसे सेट हो रही है देखिए वेनीला जो है पिस्ता के ऊपर होना चाहिए तो वेनीला अगर पिस्ता के ऊपर होना चाहिए तो हम बोल सकते हैं वेनीला या तो यहां पर होगा या तो यहां पर होगा क्योंकि वनीला यहां रखोगे तीन छोड़कर पिस्ता यहां आ जाएगा वेनीला यहां रखोगे रह तीन छोड़कर पिस्ता यहां आ जाएगा तो ये दो पॉसिबिलिटी बन रही है तो एक एक करके चेक करते हैं अगर मैं वेनिला को यहां पर लेता हूं ठीक है तो तीन छोड़कर ये पिस्ता यहां पर आ जाएगा ये वाली कंडीशन हमारी हो गई ठीक है इसके अलावा कोकोनट वाला ऑड पे होना चाहिए चॉकलेट ब्लू मून देखो अब चॉकलेट और ब्लूबेरी जो है इसको अगर आपको रखना है तो चॉकलेट और ब्लूबेरी के लिए हमारे पास ये अगर मान लेते हैं कि ए वाले पे होगा तो चॉकलेट और ब्लूबेरी ई वाले पे आ सकता है तो चॉकलेट ब्लूबेरी को अभी हम क्या कर सकते हैं मान लेते हैं कि यहाँ पर चॉकलेट आ गया यहाँ पर ब्लूबेरी आ गया ऐसा मान के चल रही है पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं ठीक है थीके? तो इस हिसाब से अब हमारे पास स्ट्रॉबेरी के जस्ट नीचे बटर रखना है तो स्ट्रॉबेरी के जस्ट नीचे बटर रख के ब्लू मून अगर रखना है तो ये चीज़ ऐसी हो सकती है कि कैरामेल तो अब यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर हमने चॉकलेट या ब्लू ब्लूबेरी में से कुछ एक यहाँ पर रख दिया है तो कैरामेल को यहाँ पर रखना पड़ेगा ठीक है और कैरामेल को अगर यहाँ पर रखते हो तो स्ट्रॉबेरी बटर ये रखने के लिए हमारे पास ये वाली जगह दिख रही है स्ट्रॉबेरी बटर फिर ब्लू मून यहाँ पर तो खाली तो कुछ भी नहीं दिख रहा है हमको खाली तो कुछ भी नहीं दिखेगा हमको चाहिए क्या खाली आवाज आ रही है ना तो देखिए एक लाइन यहां पर क्या बोली गई थी नो फ्लेवर हैज़ ऑन मोर देन वन रैक नो फ्लेवर हैज़ ऑन मोर देन वन रैक उससे पहले क्या बोला था द ईवन नंबर रैक्स है आइसक्रीम ऑफ टू फ्लेवर ईच मतलब इवन वाले जितने भी है उसमें दो दो फ्लेवर तो होने ही चाहिए यानी कि दो फ्लेवर यहां पर आएंगे दो फ्लेवर यहां पर आएंगे दो फ्लेवर यहां पर आएंगे ठीक है दो दो चार दो छः और टोटल हमको नाम कितने दिए हुए हैं वो भी देख लेते हैं एक कैरामेल दिया हुआ है स्ट्रॉबेरी दिया हुआ है बटर दिया हुआ है ब्लू मून दिया हुआ है कोकोनट दिया हुआ है ब्लूबेरी दिया हुआ है वेनिला पिस्ता चॉकलेट तो टोटल कितने हो गए पांच चार नौ नौ नाम हमको दिए हुए हैं तो दो दो चार दो छ सात आठ नौ तो वैकेंट तो हो ही नहीं सकता यार ये लाइन में कुछ गड़बड़ लग रहा है नो फ्लेवर हैज ऑन मोर देन मोन इस लाइन का मतलब थोड़ा सा नो फ्लेवर हैज ऑन मोर देन वन रैक किसी को दोस्तों इस चीज़ में डाउट हो रहा है क्या या किसी को समझ में आ रही है कि ये चीज़ क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो रहा है कि भाई जब हमारे पास टोटल नौ है तो इवन वाले पे दो दो रखेंगे और ऑड वाले पे एक रखेंगे तो वैसे ही नौ हो जाएंगे तो नो फ्लेवर हैज़ ऑन मोर देन वन रैक कैसे बनेगा फिर एक सेकंड रुकना ठीक है इस ये लाइन गलत है इसको छोड़ दो या उसका मे भी कुछ मतलब होगा समझ नहीं आ रहा है कुछ अजीब सा लिखा हुआ है तो हम जो बना रहे हैं बिल्कुल सही बना रहे हैं चलते हैं आगे तो अब देखो स्ट्रॉबेरी और बटर अगर हमको रखना है तो मैं स्ट्रॉबेरी और बटर को अगर यहां पर रखता हूं ऐसे स्ट्रॉबेरी उसके जस्ट नीचे बटर ठीक है और इसके बाद बटर वाले के नीचे ब्लू मून रखना है तो बटर वाले के नीचे ब्लू मून के लिए ये वाली जगह है और देखो कोकोनट के नीचे हमको क्या रखना था ब्लू बेरी रखना था तो कोकोनट के नीचे अगर हमको ब्लू बेरी रखना है तो कोकोनट यहां पर रखना पड़ेगा हमको चॉकलेट और ब्लूबेरी बचा हुआ है ठीक है तो चॉकलेट को ऊपर रख देते हैं ब्लूबेरी को नीचे रख देते हैं चॉकलेट से ब्लूबेरी यहां पर आ जाएगा ये ब्लूबेरी नीचे इसलिए रखा हूं क्योंकि हमको कोकोनट से नीचे ब्लूबेरी चाहिए था तो कोकोनट यहां पर आ जाएगा एक बार चेक करो आप लोगों का ऐसे ही कुछ बना है क्या बट इसमें क्या गलती हो रही है दोस्तों इसमें गलती ये हो रही है कि कोकोनट ऑर्ड पे चाहिए था ये कोकोनट हमारा जो है ये ईवन पे आ जा रहा है तो ये गलत हो जा रहा है बाकी ऑर्ड पे कोई जगह ही नहीं बच रही जहां पर हम रख सकते हैं कंडीशन गलत हो रही है तो पहली पॉसिबिलिटी तो हमारी गलत हो गई अब जब दूसरी पॉसिबिलिटी इसकी चेक करेंगे एक पॉसिबिलिटी हमारी गलत हो गई कौन सी पॉसिबिलिटी गलत हो गई वेनिला पिस्ता वाली वैसे इसी में एक और बन रही थी पॉसिबिलिटी वो भी मैं बता देता हूं देखिए अभी हमने क्या किया था फिर से देख लो जिनको नहीं समझ में आया है ध्यान देना वेनिला तीन छोड़कर पिस्ता रखना था वेनिला ऊपर की तरफ था ठीक है तो अगर मैं वेनिला को यहां पर रखता हूं या दूसरी वाली को पहले चेक करते हैं उसके बाद इसका सेकंड वाला चेक करेंगे वेनिला को यहां पर रखते हैं ठीक है वेनिला से तीन छोड़कर पिस्ता चाहिए एक दो तीन छोड़कर यहां पर हो जाएगा पिस्ता अब देखो हमारे पास ऑड वाला कौन सा जगह बचा है सिर्फ ये बचा है चॉकलेट रखने के लिए और कोई जगह ही नहीं है ये चॉकलेट नहीं कोकोनट कोकोनट ऑड पे था बोला है तो ऑड पे तो सिर्फ एक ही आ सकता है यही वाला ऑड दिख रहा है हमको कोकोनट यहां पर आ जाएगा तो अब देखो ये चीज भी गलत हो रही है कैसे गलत हो रही है कोकोनट के नीचे आपको क्या चाहिए ब्लूबेरी कोकोनट के नीचे ब्लूबेरी चाहिए लेकिन जस्ट नीचे नहीं चाहिए तो कोकोनट के जस्ट नीचे यहां ब्लूबेरी नहीं रख सकते और यहां तो ऑलरेडी एक आ चुका है तो दो तो रख ही नहीं सकते पॉसिबल ही नहीं है ठीक कंडीशन ये वाली गलत है मतलब पहली जो हम बना रहे थे उसी के अंदर जो से, दो पॉसिबिलिटी बन रही थी वो सेकंड वाली को चेक करना पड़ेगा ये जो बना रहे थे शुरुआत में वेनिला ऊपर लेके यही पॉसिबिलिटी हमारी बिल्कुल सही है इसी को चेक करेंगे ठीक है वेनिला से तीन छोड़कर पिस्ता तीन छोड़कर ये हो गया पिस्ता अब देखो हमको क्या चाहिए था हमको चाहिए था कोकोनट ऑर्ड पे जिसके नीचे आपको क्या रखना है ब्लूबेरी रखना है तो कोकोनट ऑड पे मतलब आप ये तीन पे रख सकते हो या फिर पांच पे रख सकते हो ये दो जगह आपको दिख रही है तीन पे रख सकते हो या तो पांच पे रख सकते हो अगर पांच पे रखोगे तो गलत हो जाएगा क्यों गलत होगा उसका उसके पीछे का रीजन देखते हैं ये देखो अगर मैं कोकोनट को यहां पर रखता हूं ठीक है तो अब देखो कैरामेल रखने के लिए ये वाली जगह तो गई यहां तो रख नहीं सकते तो कैरामेल को यहीं पर रखना पड़ेगा इवन पे दो हो सकते हैं तो यहां पर कैरामेल रखना पड़ेगा अगर मैं यहां कैरामेल रख दिया तो अब मेरे पास चॉकलेट और ब्लू रखने के लिए जगह नहीं बच रही है क्योंकि देखो कहां रखोगे भाई ये देखो, ये देखो जगह दिख रही है ना यहां तो दो नहीं आ सकते ना इस वाले में दो नहीं नहीं आ सकते पॉसिबल है गलत हो गया ठीक है तो इसलिए यहां पर आप इसको कोकोनट को नहीं रख सकते तो यहां पर रख देंगे कोकोनट को ठीक है अब दूसरी चीज क्या है भाई कोकोनट के नीचे हमको क्या चाहिए था ब्लूबेरी चाहिए था लेकिन इमीडिएट नीचे नहीं तो मतलब इससे जस्ट यहां पर नहीं रख सकते तो यहां पर रख सकते हो आप देखो ब्लूबेरी से तीन छोड़कर चॉकलेट तो ब्लूबेरी से एक दो तीन छोड़कर चॉकलेट और जो कैरामेल रखना था वो इसके साथ रख दो बचा क्या अब आप आपके पास ये देखो स्ट्रॉबेरी के जस्ट नीचे बटर ठीक है और उसके नीचे ब्लू मून स्ट्रॉबेरी के जस्ट नीचे बटर भी, भी गलत हो रहा है ब्लूबेरी पिस्ता स्ट्रॉबेरी बटर यहां पर दो आ सकते हैं ना और यहां पर आ सकते हैं क्या गड़बड़ हो रही है यार चॉकलेट ब्लूबेरी के बीच में अच्छा तीन फ्लेवर है यार ठीक है ये वाली लाइन को देखो यहाँ पर देयर आर थ्री फ्लेवर्स इन बिटवीन चॉकलेट एंड ब्लूबेरी ठीक है हो गया कंफ्यूजिंग क्वेश्चन स्ट्रॉबेरी बटर रखना है ये हो गया स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी के जस्ट नीचे बटर तभी नहीं बना पा रहे थे तभी नहीं बन रहा था लोगों का स्ट्रॉबेरी के जस्ट नीचे बटर उसके नीचे नहीं रखना है आप देखो बटर के नीचे यहाँ पर नहीं रख सकते लेकिन उसके नीचे ब्लू मून रखना है तो उसके नीचे ब्लू मून यहाँ पर आ जाएगा अब कुछ लोगों को लगेगा सर लेकिन ये गलत हो रहा है गलत नहीं हो रहा है गलत नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है तीन फ्लेवर्स हैं इनके बीच में इनके बीच में तीन फ्लेवर्स हैं तो ब्लूबेरी से तीन फ्लेवर छोड़ोगे तो ब्लूबेरी से एक फ्लेवर ये हो गया दूसरा फ्लेवर ये हो गया तीसरा फ्लेवर ये हो गया तो यहाँ पर आप रख सकते हो चॉकलेट ये हो गया सॉल्व तो यहां पर आ गए बटर स्कॉच और चॉकलेट यहां वेनिला और कैरामेल यहां पिस्ता और मून ये है इसका आंसर अच्छा लेवल था क्वेश्चन का फंसा दिया एकदम कितने लोगों से बना था भाई एक बार जल्दी से यस लिख दो जिन्होंने बना लिया था खुद से और पॉसिबिलिटी बन रही है नहीं बनेगी पॉसिबिलिटी और चेक करके देख लो वनीला केरेमल वनीला केरेमल स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी बटर स्कॉच चॉकलेट बटर स्कॉच बटर पीकन है बटर स्कॉच नहीं, नहीं, नहीं है बटर पीकन चॉकलेट ठीक है फिर उसके बाद कोकोनट कोकोनट पिस्ता ब्लू मून पिस्ता ब्लू मून ब्लूबेरी ब्लूबेरी ठीक है बिल्कुल सही है चलिए आगे चलते हैं दोस्तों ये तो देख के तो हलवा लग रहा है पर यह भी कहीं ऐसे होश उड़ाने वाला पजल ना निकल जाए ट्राई करो जल्दी से मैं थोड़ा बादाम खा लेता हूँ यार दिमाग नहीं काम कर रहा है हो गया सॉल्व डन के मैसेजेस आने स्टार्ट हो गए लग रहा है सॉल्व हो गया है काफी लोगों का स्टार्ट करते हैं दोस्तों फिर चलिए कोई बीस बोल रहा है कोई अट्ठारह कोई तेईस मतलब गलत सलत भी बना रहा है कोई पंद्रह भी बोल रहा है कोई नीस भी बोल रहे हैं तो गलत सलत भी बना रहे हैं कुछ लोग तो देखते हैं एक्चुअल में क्या होना चाहिए सम पीपल पीपल आर आर सिटिंग सिटिंग अराउंड टेबल फेसिंग द सेंटर टू इन बिटवीन जी एंड एस तो बोल रहा है कि एक सर्कल पे कुछ लोग बैठे हुए हैं तो सर्कल को हम कैसे बनाते हैं हम ऐसा बनाते हैं थ्रेड मेथड में ठीक है ये सर्कल है इसको हम ऐसे करके ओपन कर दिए तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई उस पर हम सर्कल सॉल्व करेंगे टू पीपल आर सिटिंग इन बिटवीन जी एंड एस जी और एस के बीच में दो लोग बैठे हुए हैं जी इज सिटिंग सेकेंड टू राइट ऑफ ई जी जो है वो सेकंड टू राइट में है ई e से उसे बोल रहा है थ्री पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एन एंड डब्ल्यू एन और डब्ल्यू के बीच में तीन लोग हैं एन इज सिटिंग टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस एन जो है वो एस के इमीडिएट लेफ्ट में है फिर बोल रहा है डब्ल्यू इज सिटिंग टू इमीडिएट राइट ऑफ एल डब्ल्यू जो है वो इमीडिएट राइट right में है एल से एल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी एल जो है ये पी का इमीडिएट नेबर है तो पी इधर आ जाएगा सी इज नेबरिंग ए एंड एफ ए और एफ का नेबर कौन है सी है पी इज सिटिंग थर्ड टू राइट ऑफ एफ p जो है वो थर्ड टू राइट में बैठा है f से तो f से फर्स्ट सेकंड थर्ड में हो गया ये p q is sitting third to left of r q जो है वो थर्ड टू लेफ्ट में है r से उसके बाद a is sitting to the immediate right of r a जो है वो इमीडिएट राइट right में है तो r से इमीडिएट राइट right इस तरफ हो जाएगा ऐसा देयर आर फाइव पीपल सिटिंग इन बिटवीन q एंड e q और e के बीच में पांच लोग हैं, तो एक, दो, तीन, चार, पांच. अब देखो कहां से स्टार्ट कर सकते हैं ये वाली भी कंडीशन अच्छी है ये वाली भी भी कंडीशन अच्छी है 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 मैं इसी से 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 स्टार्ट करता हूं. F, दो 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 छोड़कर 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 दिख रहा है, कहीं बना बना सकते हो हो पर मैंने बना लिया ठीक ठीक एक दो ये हो गया, P, अब P से एक गया मतलब उसके बाद और क्या मैच हो रहा है इसमें अब देखो यहां पर ना पॉसिबिलिटी आती है दो पॉसिबिलिटी बन रही है कौन सी W से तीन छोड़कर N लेना है आपको तो W से तीन छोड़कर N इधर भी हो सकता है W से एक दो तीन छोड़कर N यहां पर भी हो सकता है ऐसा तो अगर N यहां पर हो गया तो क्या हो जाएगा N जो है वो S से लेफ्ट में है तो S यहां पर हो जाएगा S से लेफ्ट में N हो गया तो ये भी हो गया ये भी हो गया दोनों चीजें हो गई अब देखो एस से दो छोड़कर जी रखना है तो एस से दो छोड़कर जी यहां पर नहीं हो सकता तो एस से दो छोड़कर जी यहां पर हो जाएगा अब जी जो था वो ई e से एक छोड़कर था तो ई e से एक छोड़कर मतलब बोल सकते ई e यहां पर होगा तो ये एक छोड़कर एस से जी राइट में हो गया ये कंडीशन भी हो गई अब ई से देखो पांच छोड़कर क्यों चाहिए तो ई e से एक दो तीन चार पांच छोड़कर यहां पर तो क्यों नहीं आ सकता तो ई e से इस तरफ चले जाते एक दो तीन चार पांच छोड़कर ये हो गया क्यों ठीक है ये एंड पॉइंट हो गया इधर और किसी को नहीं बना सकते सिर्फ अगर पर्सन बनाने तो इसी के बीच में अब हम बना सकते हैं तो ये वाली कंडीशन हो गई अब देखो क्यू Q, Q से दो छोड़कर आर और ए रखना था तो क्यू से दो छोड़कर आर और ए रखना था तो ये हो गया आर और ए आप देखो ए सी एफ रखना था ए सी एफ हो सकता है क्या नहीं हो सकता मतलब गलत हो गई कंडीशन अगर कंडीशन गलत हो गई मतलब ये जो एन को हमने डब्ल्यू से इधर रखा था वो गलत था इधर रखते तो सही हो जाता वापस चलते हैं या फिर आप चाहो तो दूसरी लाइन भी बना सकते हो वो आपकी चॉइस है मैं इरेज कर देता हूं ये देखो तो कहां थे डब्ल्यू से तीन छोड़कर एन लेना था इस तरफ ले लो एक दो तीन छोड़कर ये हो गया एन ठीक है फिर एन जो है वो एस के इमीडिएट ऐसे लेफ्ट में है ये भी हो गया ठीक है उसके बाद इसी बात क्या सेट किए थे यार एस से दो छोड़कर जी अब फिर से दो पॉसिबिलिटी एस की बन रही है देखो एस से अब आप सेट करोगे तो एस से क्या हो जाएगा दो छोड़कर आपको जी चाहिए अगर एस से दो छोड़कर जी को आप यहां पर रखोगे इस वाली जगह पे रखते हो ऐसा तो क्या होगा जी जो था वो ई से ऐसे राइट में होना चाहिए था क्या ई से ये राइट में हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है यहां डब्ल्यू है तो ई नहीं आ पाएगा तो गलत है गलत है मतलब कि जी इधर ना लेके आप इस तरफ लोगे तो एस से दो छोड़कर जी लेना है एक दो छोड़कर ये हो गया जी और ये एंड पॉइंट मान लेते हैं कि इधर अब हम कुछ भी नहीं रखेंगे जो रखना है वो इधर रखेंगे ठीक है तो ये कंडीशन जी से ई यहां पर आ गया ये हो गया ई से पांच छोड़कर क्यों चाहिए से एक दो तीन चार पांच छोड़कर क्यू नहीं आ सकता तो ई से उधर चले जाते हैं ई से एक दो तीन चार पांच छोड़कर ये ई हो गया ये हो गई कंडीशन अरे क्यू रखना है ना वही मैं बोला कहां गया यार क्यू आएगा यहां पर ये हो गई कंडीशन ठीक है अब देखो Q जैसे ही आ गया तो दो छोड़कर आर ए रखना है तो दो छोड़कर आर ए रखना है तो ये एक दो छोड़कर ये हो गया आर ये हो गया ए और ए सी एफ होना चाहिए तो ए से ये देखो ये बीच में आ गया सी और ये हो गया एफ ये बन गया क्वेश्चन सॉल्व चेक कर लो भाई कितने लोग तीन तीन छ तीन नौ तीन बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस ट्वेंटी थ्री बोलने वाले जितने भी स्टूडेंट्स थे सबका सही बना है चेक कर लीजिए फटाफट फलाना सर के सेल्समैन आ गए नहीं चाहिए बाबा आगे जाओ हमको एग्ज़ाम क्लियर करना एग्ज़ाम क्लियर करना है इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं टाइम पास नहीं करना है आंसर चेक करिए फटाफट सर एंड पॉइंट कैसे लेना होता है अरे एंड पॉइंट वाली कोई बात नहीं है मतलब आप ई e, e को भी एंड मान सकते थे मेन क्या है यहाँ तक लाइन मैंने खींची हुई थी अब इसकी आगे जगह नहीं थी तो मैंने बोला चलो जी यहाँ खत्म कर देते जी के बाद जो भी उधर बनाना होगा तो ऐसे घूम के इधर आ जाएंगे और यहाँ बनाना चालू कर देंगे जरूरी नहीं है ई e पे भी आप इसको खत्म कर सकते थे ई e से फिर अगर आपको जी बनाना होता तो क्या करते ई e, e को अगर इसको खत्म कर देते ना जैसे मान लो ई यहाँ पर एंड पॉइंट है ठीक है अब ई से एक छोड़कर जी रखना था तो ऐसे घूम के आ जाओ एक छोड़कर ई ये हो गया सॉरी जी था अभी भी सही है बिल्कुल चेक करके देख लो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप चाहो तो ये ई को अगर आप एस को को अगर एंड पॉइंट था तो ई भी हटा दो यहां से घूम के आ जाओ इधर ई रख दो यहां पर ऐसा तो ये तो सर्कुलर है ना कोई फर्क नहीं पड़ता इससे आप उसको इधर से इरेज करते जाओ इधर से इरेज करते जाओ इधर डालते जाओ बात वही है कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये देखो ई जी क्यू आर ए सी एफ E G Q R A C F P L W N P L W N S सही है बिल्कुल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए साढ़े सात पर कौन सी क्लास होती है साढ़े सात पर होती नहीं है कल सुबह साढ़े दस नहीं हो पाई थी इसलिए रात को साढ़े साढ़े सात बजे ले लिया था चले स्टार्ट करें डन के मैसेजेस तो आ रहे हैं कुछ लोगों के थ्री टू वन स्टार्ट डेली क्लास नौ बजे होती है हाँ जी नौ बजे डेली क्लास होती है चले स्टार्ट करें देखो क्या बोल रहे हैं यहां पर सिक्स चॉकलेट पेन फ्लावर बुक पेंसिल एंड बॉटल्स दे बॉट दिस आइटम्स इन डिफरेंट क्वांटिटीज टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स बॉट इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स ठीक है एम बॉट पेन्स अब छह लोगों ने अलग अलग आइटम्स खरीदे हुए हैं एम ने क्या खरीदा है एम ने पेन खरीदा है तो यहां पर लिखते जाएंगे कंडीशंस को एम ने खरीदा है पेन आगे बोल रहा है नंबर ऑफ पेंसिल बॉट इज़ वन लेस देन नंबर ऑफ बुक्स मतलब बुक्स से एक कम करोगे तो पेंसिल कितनी है वो पता चल जाएगा उसके बाद बोल रहा है ओ बॉट थ्री आइटम्स मोर देन के के से तीन ऐड करोगे तो ओ ने कितनी चीज़ें खरीदी है वो पता चल जाएंगी एम बॉट एटलीस्ट टू आइटम्स एम ने कम से कम दो आइटम तो खरीदा है मिनिमम मिनिमम दो तो इसने लिए ही हैं उससे ज्यादा भी हो सकते हैं उसके बाद क्या बोल रहा है मोर देन एन एटलीस्ट टू आइटम्स मोर देन एन एक सेकेंड एम ने एन से एन प्लस मिनिमम टू इज इक्वल टू एम बोल रहा है एन से कम से कम दो आइटम ज्यादा खरीदे हैं एम ने कम से कम दो मतलब तीन भी हो सकते हैं चार भी हो सकते हैं पांच भी हो सकते हैं पांच तो खैर नहीं होगा अब उसके बाद क्या बोल रहा है एन बॉट टू आइटम्स मोर देन के एन ने दो आइटम्स के से ज्यादा खरीदे हैं तो के प्लस टू इज इक्वल्स टू एन एल बॉट नीदर चॉकलेट नॉर बुक एल ने ना तो बुक खरीदी है और ना ही चॉकलेट खरीदी है और क्या है जे बॉट थ्री फ्लावर्स जे ने तीन फ्लावर खरीदे हैं ओ बॉट बॉटल्स ओ ने बॉटल्स खरीदी हैं कौन सी बॉटल्स खरीदी वो नहीं बताया अच्छा ये नहीं बताया दो तीन तो चार पांच एंड छह छह लोगों में सिर्फ पांच ही क्यों बता रहा है सच दे टू परसेंट बॉट इक्वल नंबर ऑफ आइटम्स ठीक है दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने इक्वल आइटम्स खरीदे हैं तो हम क्या करेंगे यहां पर ऐसा कर लेते हैं छह पांच चार तीन और दो ये ऐसा बना लेते हैं किसी एक जगह पे दो नाम आएंगे किसी एक जगह पे दो नाम आएंगे अब यहां पर हमको क्या बोला है, जो बोला है, जो पता है हमको उसको पहले सेट करते हैं तो यहां पर कुछ पता है क्या हमको जे का पता है जे ने तीन फ्लावर्स खरीदे हैं तो जे तीन फ्लावर्स ठीक है उसके बाद के से दो ज्यादा एन और एन से दो ज्यादा मिनिमम में एम आना चाहिए तो मतलब के को लास्ट में रखना पड़ेगा यहां पर के से दो ज्यादा के से दो ज्यादा मतलब एन यहां पर आ गया अब चार से मिनिमम दो ज्यादा छ होता है तो मिनिमम दो ज्यादा छ होता है मतलब एम यहां पर आ जाएगा तो देख लो के से दो ज्यादा एन हो गया एन से दो ज्यादा छ हो गया एन से दो ज्यादा ये देखो एम हो गया एम छ पे ठीक है तो ये कंडीशन हो गई हमारी के से तीन ज्यादा ओ बॉटल होनी चाहिए तो के से तीन ज्यादा यहां पर ओ बॉटल्स आ जाएगी ठीक है और क्या बचा अब हमारे पास एम ने खरीदा है पेन एम ने खरीदा है पेन के प्लस टू एन के प्लस टू एन ये भी हो गया जे तीन फ्लावर ये भी हो गया बुक में एक माइनस करेंगे तो पेंसिल आना चाहिए ठीक है बुक में एक माइनस करेंगे तो पेंसिल आना चाहिए और एल ने ना तो बुक खरीदी है ना तो चॉकलेट खरीदा है तो अब क्या कर सकते हैं देखो बुक में एक माइनस करके पेंसिल लाना है मतलब बुक के जस्ट नीचे पेंसिल आना चाहिए भाई बुक में एक माइनस करके पेंसिल आना चाहिए मतलब जस्ट एक नीचे छः में एक माइनस पांच पांच में एक माइनस चार चार में एक माइनस तीन तीन में एक माइनस दो तो बुक के जस्ट नीचे पेंसिल आएगा कंफर्म हो गया अब देखो बुक जो है वो तो एल है नहीं मतलब बुक में एल तो आना नहीं चाहिए तो अगर यहां पर आप बुक रखोगे तो एल रखना पड़ जाएगा उसमें क्योंकि भाई ये पांच नाम तो आ चुके हैं ना जहां पर भी आएगा दूसरा नाम जहां पर भी आएगा वो एल ही होगा तो आप बुक को यहां पर तो रख नहीं सकते यहां भी नहीं रख सकते यहां भी नहीं रख सकते यहां भी नहीं रख सकते क्योंकि बुक के नीचे फिर पेंसिल नहीं रख पाओगे इसलिए बुक आ जाएगा एन पे और बुक के नीचे यहां पर आ जाएगा पेंसिल तो पेंसिल हो जाएगा एल ठीक है और क्या बच गया आप हमारे पास एक नाम बचा है उसको यहां पर रख दो क्वेश्चन सॉल्व हो गया चॉकलेट बचा था यही बन रहा है क्या आप सभी का एक बार चेक करके बताओ जल्दी से। सेम ऐसा ही बन रहा है एम ओ एन एम पेन ओ बॉटल एम पेन छ बॉटल पाँच ठीक है एन बुक चार एन बुक चार फिर तीन वाले में जे फ्लावर और एल पेंसिल तो ये देखो जे फ्लावर एल पेंसिल और जो बच गया लास्ट में के चॉकलेट वो आएगा टू पे बिल्कुल परफेक्ट चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आजकल क्वेश्चन नहीं बन रहे प्रैक्टिस छूट गई होगी इसीलिए नहीं बन रहे होंगे सर आपकी बेसिक्स की पेड क्लासेस कहाँ मिलेगी कुंज उपाध्याय जी वेट करिए थोड़ा लास्ट में बता देंगे कोर्स के बारे में एज वाला है यार ये तो हलवा है एकदम जल्दी बनाओ एज निकालने की ट्रिक बताया हूँ सिखाया हूँ वही जो लोग सीखे हैं जल्दी जल जल जल्दी बनाओ डन के मैसेज तो आ रहे हैं काफी सारे स्टार्ट किया जाए देखिए इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में एट परसन एल एन ओ पी क्यू आर एंड एस 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 वर बॉर्न इन द ईयर नाइन फोर्टी सिक्सल इन द सेम ऑर्डर वर बॉर्न ऑन द सेम डेट दट इज ऑन फर्स्ट जनवरी ऑफ दिस ईयर मेक ऑल द एज कैलकुलेशन एज ऑन फर्स्ट जनवरी दो हजार अट्ठारह बेस ईयर दो हजार अट्ठारह को लेकर आपको सारी कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ पर क्या करते हैं सबसे पहले हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में नाइनटीन फोर्टी सिक्स सबसे पहले आ जाएगा उसके बाद नाइनटीन फिफ्टी फाइव आ जाएगा उसके बाद नाइन्टीन सिक्सटी आ जाएगा फिर नाइनटीन सिक्सटी सिक्स आ जाएगा नाइनटीन सेवेंटी आ जाएगा 1977 सेवेंटी सेवन आ जाएगा फिर 1982 एटी टू आ जाएगा और लास्ट में 1989 एटी नाइन आ जाएगा तो ये आठ लोग हो गए अब उसमें यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है कि 2018 के हिसाब से कैलकुलेशन लेनी है तो भाई 2018 से आपको एज कैसे निकालते हैं इसका शॉर्टकट बता रहा हूँ जिनको नहीं पता तो इधर ध्यान दीजिएगा क्या करना है 2018 से आप इसकी एज निकाल लो बस बाकी सब बहुत जल्दी निकलेगी इसकी एज का कैलकुलेशन बस करना पड़ेगा एटी से दो तक कितना हो रहा है तो आप क्या करोगे दो में नाइनटीन को माइनस कर दो एज आ जाएगी कितना आएगी अट्ठारह ग्यारह उनतीस ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन आ गई है अब बाकी की एज के लिए माइनस वाइनस कुछ करने की ज़रूरत नहीं आप बस यहां पर देखते जाओ डिफरेंस कितना है 89 से 82 कितना कम है सात साल कम दिख रहा है तो यहां सात बढ़ा दो सात बढ़ा दो ये 36 हो गया 82 से 77 सेवन पाँच साल कम है यहां पाँच साल बढ़ा दो 41 हो गया यहां सात साल कम दिख रहा है यहां सात साल बढ़ा दो 48 हो गया यहां देखो चार साल कम है चार साल बढ़ा दो 52 हो गया छः कम है छः बढ़ा दो फिफ्टी हो गया पाँच कम है पाँच बढ़ा दो सिक्सटी हो गया Uh, कितना कम है पांच चार नौ कम है नौ बढ़ा दो तो सेवेंटी टू हो गया तो ये सब की एज आ गई अब क्या बोल है एल वॉज एज ट्वाइज एज ओल्ड एज एन मतलब टू एन करोगे एन का कर डबल करोगे तो एल की एज आ जाएगी टू पर्सन वर यंगर टू एम बट एल्डर टू एन दो लोग यंगर हैं एम से लेकिन एल्डर है एन से मतलब एम और एन के बीच में दो होंगे और एम से नीचे की तरफ एन होगा इस कंडीशन में बहुत लोग गलती करते हैं क्या बोला है टू टू पर्सन वर यंगर टू एम बट एल्डर टू एन मतलब दो लोग एम से छोटे हैं और एन से बड़े हैं तो बीच में वो दो लोग आएंगे ठीक है आगे क्या बोल बोला नंबर ऑफ पर्सन एल्डर टू ओ वॉज द नंबर ऑफ पर्सन एल्डर टू आर ओ से जितने भी लोग एल्डर हैं वो ट्वाइस है जितने भी आर से बड़े हैं उससे ठीक है फिर बोल बोला क्यू वॉज बॉर्न आफ्टर सेवन फाइव क्यू जो है वो 75 के बॉर्न हुआ है मतलब क्यू जो है वो इन तीन में से किसी एक जगह पर आ सकता है नो बडी वॉज बिटवीन ओ एंड एस ओ और एस के बीच में कोई भी नहीं है मतलब ओ से ऊपर और नीचे कहीं पर भी एस हो सकता है ठीक अब देखिए यहां पर डबल देखना पड़ेगा पहले तो एन का डबल जो है वो एल है तो यहां पर ऐसी कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है कि डबल आपको कुछ दिख रहा हो ट्वेंटी नाइन का डबल फिफ्टी एट थर्टी सिक्स का डबल सेवेंटी टू दो ही पॉसिबिलिटी दिख रही है हमको तो हम बोल सकते हैं यहां पर अगर मैं एन को रखता हूं ट्वेंटी नाइन पे तो ट्वेंटी नाइन का डबल क्या हो जाएगा फिफ्टी एट तो एन का डबल एल यानी कि फिफ्टी एट पर आ गया एल एन से दो छोड़कर एम चाहिए था दो छोड़कर एम आ गया यहां पर अब देखो ओ और आर वाली कंडीशन को हमको चेक करना पड़ेगा तो ओ और आर वाली कंडीशन को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा देखो अगर ओ को यहां रखते हो तो यहां तो ऐसा आ जाएगा क्योंकि ओ और एस दोनों साथ में चाहिए अब देखो ओ के ऊपर डबल होने चाहिए तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई आर से ऊपर जितने उससे डबल हमको ओ से ऊपर चाहिए तो ओ तो यहां पॉसिबल ही नहीं है अब इसके अलावा दो जगह और कहां पर खाली दिख रही है यहीं पर दिख रही है दो जगह खाली ओ और एस के लिए तो भाई आपको यह पता है कि ओ के ऊपर अगर डबल होने चाहिए मतलब ईवन होना चाहिए क्योंकि वन का भी डबल इवन होता है टू का भी डबल इवन होता है थ्री का भी डबल इवन होता है किसी भी नंबर का डबल जो होता है वो ईवन होता है तो ओ को ऐसी जगह पर रखना पड़ेगा जिससे ऊपर ईवन नंबर ऑफ पर्सन आ रहे हैं तो एक दो तीन चार पाँच छः यहाँ पर आ जाएगा ओ अब अगर ओ के ऊपर छः लोग हैं तो आर के ऊपर तीन लोग होने चाहिए तो आर के ऊपर एक दो तीन यानी आर आ गया यहाँ पर ओ के साथ में एस रखना था तो एस आ गया यहाँ पर ही गलत हो गया क्योंकि क्यू रखने की अब कोई जगह नहीं बची मतलब गलत हो गया तो गलत हो गया तो क्या करेंगे यहां पर आ जाएगा L. है? तो ये कंडीशन हो गई ये कंडीशन हो गई अब फिर से वही वाली बात हो गई कि ओ के ऊपर वो ऐसी जगह पे आएगा जहां पर दो लोग आ सकें तो यहीं पर रखना पड़ेगा ओ और एस को यहां रखोगे तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि फिर ओ के ऊपर डबल नहीं हो पाएंगे ना आर से क्योंकि आर यहां कहीं आएगा तो उसका डबल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए ओ और एस को यहीं पर रखना पड़ेगा और दूसरी क्या चीज़ मैंने बताई थी इवन नंबर ऑफ पर्सन होने चाहिए क्योंकि डबल जो होता है वो हमेशा इवन होता है तो एक दो तीन चार छोड़कर ओ को यहां रखो एस को यहां रखो ठीक है तो ओ के ऊपर अगर चार लोग आपको दिख रहे हैं तो आर के ऊपर आपको दो लोग दिखने चाहिए तो एक दो ये हो गया आर अब देखो क्यू के लिए सिर्फ ये वाली जगह बची है तो एक नाम जो बच गया उसको यहां पर रख दो क्या बच गया भाई पी बचा हुआ है ये सॉल्व हो गया एल पी आर एम ओ एस एन क्यू एल पी आर एम ओ एस एन क्यू बिल्कुल सही तो एज वाले क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं बस आपको उसके तरीके पता होने चाहिए कि किस तरीके से सॉल्व करना है ठीक है चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं दोस्तों ये होमवर्क कर दें क्या कि बनाओगे अभी चलो एक काम करते हैं ये होमवर्क दे देता हूँ इसको आप लोग बनाइएगा ठीक है स्क्रीन शॉट ले लीजिए या तो वीडियो को पॉज कर लीजिए बनाने के लिए और इसको बनाइएगा आप लोग इसका सॉल्यूशन आप लोग बाद में देख लीजिएगा अभी मत देखना ठीक है मैं यहां पर सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूँ बाद में इसको मैच कर लेना कि आपका सही है या नहीं ठीक है क्वेश्चन तो बहुत सारे थे पर इतना काफी आज के लिए इसी के साथ दोस्तों अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ अगर आप पेड कोर्स लेना चाहते हैं अगर आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो यस ऑफिसर डॉट कॉम पर आप जाकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यस ऑफिसर डॉट कॉम जब आप यस ऑफिसर डॉट कॉम पर जाएंगे तो सब्सक्रिप्शन जो है आपको बैंक एग्जाम्स अच्छा जैब कैप की कैटेगरी लॉन्च हो गई है दोस्तों अभी जो संडे को इवेंट था वो जैब कैप कैटेगरी उस दिन हमने लॉन्च कर दिया है जैप कैप क्या होता है जो बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं वो बैंक में प्रमोशनल एग्जाम्स जो होते हैं ये वो है सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो होते हैं तो ये उसकी तैयारी होती है तो ये भी हमने लॉन्च कर दिया जो अभी आप लोगों के काम की नहीं है जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनके काम की चीज़ें हैं तो बैंक एग्ज़ाम्स पे आप क्लिक करेंगे करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोग नीचे थोड़ा सा चले जाइए और सब्सक्रिप्शन प्लान्स आप देख सकते हैं यहाँ पर आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन या एजुकेटर एक्सक्लूसिव दोनों में से कोई भी एक ले सकते हैं जो इंटरेस्टेड है वो बाकी सब जा सकते हैं छुट्टी हो गई ठीक है तो ये प्राइजेज़ हैं दोस्तों इसके प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं बारह महीने का तो पाँच हज़ार चार सौ निन्यानवे का इस पर डिस्काउंट के लिए ए एल वन जीरो ये कोड लगा लीजिएगा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और अगर आप एजुकेटर्स एक्सक्लूसिव लेना चाहते हैं तो आप किसी भी टीचर का जैसे आप अगर मेरी क्लासेस देखना चाहते हैं तो ये है मेरा कोर्स ठीक है ये वाला कोर्स है मेरा अंकुश लांबा इसमें मेरी सारी जितनी भी आज तक के कोर्सेस हैं आगे पूरे एक साल तक जो भी कोर्सेस मेरे आएंगे वो सारे कोर्सेस आप लोगों को मिल जाएंगे इसका जो प्राइस है टू फोर डबल नाइन है इस पर आप ए एल जीरो लगा लीजिएगा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इसमें आपको प्री लेवल मेन्स लेवल सब कुछ मिल जाएगा कंप्यूटर अवेयरनेस का भी कोर्स इसके अंदर इंक्लूड हो चुका है तो आपको अलग से कंप्यूटर अवेयरनेस लेने की जरूरत नहीं है इसी के अंदर आपको मिल जाएगा कंप्यूटर अवेयरनेस ठीक है और कंप्लीट वाला अगर आप लेते हैं तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा हिंदी हिंदी के भी टीचर आने आ गए हैं मतलब वो वीडियोस रिकॉर्ड करना चालू कर दिए लाइव क्लासेस नहीं होंगी रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी उनकी तो वो क्लासेस भी आप लोगों को इसी में मिल जाएंगी कंप्यूटर मिल जाएगा मैथ्स रीजनिंग जी सब कुछ मिल जाएगा आपका ठीक है ख़त्म करते हैं कोड है ए एल वन जीरो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में दोस्तों और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं बाकी लोग जा सकते हैं किसी को कुछ डाउट है स्पीड नहीं आ रही है स्पीड देखिए धीरे धीरे आ जाएगी जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगी कंप्यूटर की पीडीएफ जो क्लासेस हैं जैसे अभी तक छः क्लासेस अपलोड हुई हैं उसमें से पांच थ्योरी थी एक प्रैक्टिकल क्लास थी तो पांच की पीडीएफ तो आपको मिल जाएगी छठवें वाली की पीडीएफ नहीं मिलेगी क्योंकि वो प्रैक्टिकली मैंने सारी चीज़ें समझाई आपको वीडियो को बार बार देखना पड़ेगा कंप्यूटर के कितने क्लास होंगे कंप्यूटर के अप्रोक्स चालीस क्लास तो होंगे ही होंगे मिनिमम उससे ज़्यादा भी जा सकता है मेंस पज़ल नहीं बन रहे मेन्स पज़ल की क्लासेस चल रही हैं यस ऑफिसर पर सुबह साढ़े दस बजे होती है उस क्लास में आना चालू कर दो पजल्स आपसे बनने लगेंगे धीरे धीरे क्लास होगा हाँ आज होगा साढ़े दस बजे डीआई की क्लास स्टार्ट कब होगी आज से सोच रहा हूँ कर दूँ सर आई स्कोर कोड थर्टी फाइव थर्टी फाइव इन आई बी पी एस पी यू प्री बट फेल्ड इन मेन्स कोई बात नहीं यार देखो प्री में इतने आ रहे हैं मतलब ये तो हो गया ना कि अब आपको इस साल प्री के मतलब तैयारी करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करते रहोगे तो प्री तो निकल ही जाना है मेन्स पे ज़्यादा फोकस करो सर कम्प्लीट कोर्स परचेस करना था जिनको भी कंप्लीट कोर्स परचेस करना था आप ले सकते हैं ए एल वन जीरो कोड है वैसे डिस्काउंट आने वाला है तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए शायद आज आ जा जा जाएगा डिस्काउंट तो उसका कोड वगैरह मैं बता दूंगा कि क्या है टेलीग्राम चैनल आप ये वाला फॉलो कर लीजिएगा यहाँ पर आपको पता चल जाएगा एट द रेट बैंकर्स वन ज़ीरो नवरात्रि स्टार्ट हुई है तो नवरात्रि का ऑफ़र है तो वो शायद स्टार्ट होगा आज एक दो दिन रहेगा और उसके बाद ए एल वन ज़ीरो तो हमेशा ही चलता रहता है डिस्काउंट मनोज होगी ना कल भी हुई थी कैसे कर दे रहे हो यार आज भी है साढ़े दस बजे एक्सक्लूसिव टू प्रीमियम का कोड बताइए एक्सक्लूसिव टू प्रीमियम का यस फिफ्टी करके एक बार लगा के देखिएगा और नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार चेक करके मैं बता दूंगा सर डीआई की क्लास कितने बजे होगी टेलीग्राम पे इन्फॉर्म करूंगा मैं यस मॉक पे ऑफर चल रहा है फोर नाइनटी नाइन फ्लैट उसमें कोई कोड ओड लगाने की जरूरत नहीं है सीधा फोर नाइनटी नाइन में आपको मिल जाएगा एक साल का आठ बजे सोने नहीं दोगे मुझे सोने नहीं देंगे तुझे कैसे करते रहे यार आठ बजे तो मैं सो के उठता हूँ मीटअप की वीडियोस आज से थोड़े बहुत अपलोड होने चालू हो जाएंगे चलिए बस और ज़्यादा कुछ डाउट नहीं लग रहा है बेसिक से सीखाना डीआई क्योंकि हार्ड लगता है बहुत रानी जी देखिए डीआई का कोशिश मैं यही करूंगा कि प्रीलिम्स के जो डीआई हैं उनकी मैं रिकॉर्डेड वीडियोस बना बना के अपलोड करूं क्योंकि इतना ज़्यादा लाइव क्लासेस के लिए टाइम मैच नहीं हो पा रहा है तो मेंस वाले बस मैं लाइव करने की कोशिश करूंगा और जो प्री वाले हैं उनके मैं वीडियोज़ बना बना कर अपलोड करूंगा यस ऑफिसर पर और इस चैनल पर भी मैं सोच रहा हूँ कि डी के वीडियोज़ बना बना कर मैं अपलोड करूँ तो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं यस ऑफिसर पर भी देख सकते हैं मेन्स का क्लास यस ऑफिसर पे चल रहा अरे चल रहा है तीन बार बोल चुका हूँ साढ़े दस बजे चल रहा है मेन्स पजल की सीरीज अप्रॉक्स पांच क्लासेस हो गई हैं उसमें क्लास खत्म हो गई मॉक में मार्क्स कम आ रहे हैं प्रियंका जी जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पाते ना उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो बाद में एनालिसिस करते समय चेक किया करो कि आप किस क्वेश्चन में ज़्यादा समय ले रहे हो उस पर ही ज़्यादा प्रैक्टिस करो क्लास खत्म होने वाली है अब 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 आए हैं कुछ लोग आरआरबी नोटिफिकेशन आरआरबी की नोटिफिकेशन जून में मई या जून में आती है मैं एक बार कंफर्म चेक कर लूँगा पिछले साल का आई थी और शुरुआत में ही आ जाती है मतलब एक तारीख के आसपास या तो एक मई को आएगी या तो एक जून को आएगी ठीक है चलिए खत्म करते हैं दोस्तों थैंक यू बाय ऑल द बेस्ट मिलते हैं फिर यस yes ऑफिसर की क्लास पर साढ़े दस बजे